हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स जो बनते हैं वो किस तरह से बने। सबसे पहले बात है कि गैमेट्स का प्रोडक्शन तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन कौन से गैमेट्स? तो ह्यूमंस की बात हो रही है, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक है, तो कौन कौन से गैमेट हो गए? मेल एंड फीमेल गैमेट। बेटा मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट होता है ओवम। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट का प्रोडक्शन है उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे। अब भाई यहां जब स्पर्म का प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म बनते कहां है? स्पर्म बनते टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं जिसमें बनते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो मेन जो जगह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने दो चीज पढ़ी थी, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल और सर्टोली सेल, जो जर्म सेल है ये क्या है? ये वो सेल है जिसने स्पर्म का प्रोडक्शन करना है। तो हम यहां सिर्फ इस स्पर्म बना कैसे ये पढ़ रहे हैं। तो अब तो एक तो हमें लोकेशन पता चल गई कहां बनते हैं स्पर्म, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिस के अंदर। तो अब देखो बेटा स्पर्म बनता कैसे, स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो जर्म सेल से हुआ। इन जर्म सेल्स को बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो हुआ मेन जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। अब यहां पर हम जो ये स्पर्म प्रोडक्शन दिखाएंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दिखाएंगे, इसके साथ साथ हम इसकी फ्लो चार्ट बनाएंगे। किसका बनाएं? स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोगोनिया, और है क्या ये प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई और ये मैंने बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां सब चीज क्लियर करनी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये देखो बेटा स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। कब स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ ओवरमेंट। कब तक चलती है? थ्रू आउट लाइफ चलती है, पुबर्टी पे स्टार्ट होगी और पूरी लाइफ रहती है मेल्स में। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट करती है। अब यहां बात करते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना माइटोसिस। इसको दिखाओगे कैसे? एक ये स्पर्मेटोगोनिया, इससे दो और दो से चार, जब ये चार बन जाए तो उस स्टेप पे लिखो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस के दो फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट हुई और क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस फर्स्ट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो ये बना। अब इसमें एक ही सेल ले हुए और एक सेल से कितने दिखा देंगे? दो दिखा देंगे। ये क्या बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद हुई इसमें मियोसिस सेकंड,
यहां मैं बिल्कुल सिंपल बता रही बेटा आपको, आप मियोटिक भी मत लिखो, मियोसिस लिखो। क्यों? क्योंकि बच्चे माइटोटिक की जगह मियोटिक लिख जाते हैं, मियोटिक की जगह माइटोटिक लिख जाते हैं। भाई हमें पता है मियोसिस, तो मियोसिस लिखो, सिंपल बिल्कुल समझ आना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए चीजें। यहाँ डिवीजन के लिए तो हम क्या लिखेंगे, माइटोटिक डिवीजन, लेकिन माइटोसिस लिखो। अब मियोटिक डिवीजन हुई और मियोसिस से सेकेंड से क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना स्पर्मेटिड। फिर ध्यान देना यहाँ, स्पर्मेटिड्स बने और हमने फॉर्मेशन किसकी बननी है, पढ़नी थी स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म तो अभी नहीं बना। ये जो है और डिवीजन तीनों तरह की होगी, इसको फिर एक को दिखा, एक से दो बना दो स्पर्मेटिड, इसको भी दिखाओगे तो ये भी बन गई, लो जी दो। और यहां स्पर्मेटिड्स जो बने उनमें एक प्रोसेस हुआ जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन हुआ उससे बन गया स्पर्मेटोजोआ और इसी को हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बना? स्पर्मेटोजोआ और यही क्या है, स्पर्म है। जो स्पर्मेटोजोआ बना है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, तो यही हमने पढ़ना था फॉर्मेशन स्पर्म की। इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोगामिया से स्पर्म तक क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस लास्ट अकेले स्टेप को जिसमें डिफरेंशिएशन हुआ ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या हो गया? स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहां आता है ये जो बने, ये अब कोई डिवीजन नहीं हुई, इनमें सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में चेंज आया और इन्होंने पूरा किसका स्ट्रक्चर ले लिया, स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये प्रोसेस हो कहां है, यहां देखो, ये प्रोसेस कहां हुई थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने लेयर बना दी। इस सेमिनिफेरस जो यहां ऊपर पड़ा है उसको यहां सबसे नीचे बनाओ। क्या पड़ा था सबसे ऊपर, स्पर्मेटोगोनिया, तो ये स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद हमने पढ़े कि इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, तो यहां ये बना दिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके ऊपर बनाए हमने क्या, उसके ऊपर हमने बनाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे इलॉन्गेटेड सेल बना देना, क्यों, क्योंकि हमें पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दूसरी चीज क्या होती है, सर्टोली सेल्स होते हैं जो इनको नरिश करते हैं। सर्टोली सेल का काम है इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जो ये बन रहे हैं। अब ये जो बने, ये बने स्पर्मेटिड्स, और जब डिफरेंशिएशन होता है तो बेटा ये अलग नहीं होते, इसी से ये निकलता है। ये ऊपर वाला हिस्सा स्पर्मेटोजो है और नीचे वाला स्पर्मेटिड, एक ही सेल से। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ये ना लेबलिंग गलत है एनसीईआरटी में। बेटा लेबलिंग एनसीईआरटी में गलत नहीं है, आप सही समझो इसको। ये स्पर्मेटो स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन हुआ है तो ये इसे अटैच ही दिखा दिए। ये कब बनाना, ये वाला डायग्राम आपने, जब ये पूछा जाए कि सेमिनिफेरस का डायग्राम ड्रॉ करो, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम हो गया ये, और इसमें हमने क्या दिखाई है, पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। कहां बने थे स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां, टेस्टिस के अंदर। अब यहां देखो जो स्पर्म बन गया ये कहां से रिलीज हुआ, ये रिलीज हुआ टेस्टिस से। टेस्टिस से कहां गया, यहां हमने जो ये पढ़ा है ना कि गैमेट फॉर्मेशन, इसके साथ हम एक चीज और पढ़ रहे हैं, वो है स्पर्म फॉर्मेशन।
क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्म फॉर्मेशन सर, रिलीज ऑफ स्पर्म। तो ये तो पढ़ लिया हमने, अब ये रिलीज ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं? पहले तो रिलीज ऑफ स्पर्म कहां से हुआ? टेस्टिस से। इसको हम बोलते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, स्पर्मेशन। तीन टर्म हो गए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? ये था डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस। किसका? स्पर्मेटेड का इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या थी? वो तो है ही, ऊपर लिखा हुआ है स्पर्म फॉर्मेशन। ये भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए है, ये तीन टर्म एक ही चीज में, तो ये पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मेल गैमेट फॉर्मेशन। मेल गैमेट किस तरह से बना? अब मेल गैमेट बन गया है, जो स्पर्म बन गया है, ये फर्टिलाइज करते हैं ओवम के साथ, तो ओवम कैसे बनेगा? तो सेकेंड गैमेटोजेनेसिस का पॉइंट है फीमेल गैमेट डेवलपमेंट। तो फीमेल गैमेट डेवलपमेंट को हम बोलते हैं ओजेनेसिस। ये क्या हो गया? ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम कह सकते हो आप इसको। फॉर्मेशन ऑफ ओवम कहां होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर। ये ब्लड वेसल्स दिखा दी और अब यहां देखिए ओवम बना। ओवम कब बनता है? ओगोनिया जो है वो पहले से ही प्रेजेंट है, फीटल एज में बनने शुरू हो जाते हैं। तो फीटल एज में एक स्टेप हो जाता है, उसमें क्या है? अब यहां मैं माइटोटिक डिवीजन लिख रही हूं, क्यों? जिससे कि आपको दोनों पता है, वही माइटोसिस भी लिख सकते हो आप। माइटोसिस ये लो, माइटोटिक मत लिखो। जो चीज कंफ्यूज करे उसका सिंपल टर्म, मार्क्स उतने ही मिलने, माइटोसिस लिखोगे तब भी, माइटोटिक लिखोगे तब भी। उगोनिया है, उगोनिया में माइटोसिस की डिवीजन हुई, मतलब माइटोसिस हुई और इसमें बन गए प्राइमरी ऊसट। और ये वाला स्टेज हर फीमेल में कब पूरा हो गया? फीटल एज में। फीटल एज में ऊसाइट्स बने हुए हैं। अब बात आती है मियोटिक डिवीजन की, और मियोटिक भी कौन सी? फर्स्ट, या फिर हम क्या कहें, मियोसिस फर्स्ट हुई। यहां बेटा मियोसिस फर्स्ट और मियोटिक फर्स्ट जब हुई, तो ये जो है जो प्राइमरी ओसाइट है दो में टूटा, एक जो है वो है फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट डेवलप करता है ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, और ये चीज इसकी कहां शुरू होती है? रिप्रोडक्टिव एज में, जो कि पुबर्टी के बाद आएगी। और ये स्टार्ट कब हुई? मेनार्च कंडीशन में। स्टॉप कब हुई? मेनोपॉज में। ठीक है, मेनार्च में स्टार्ट हुई। फर्स्ट कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? मेनार्च। और जब स्टॉप होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। लेकिन हमें ये पूछा जाए व्हेन डिड ओजेनेसिस स्टार्ट? एट द फीटल एज, क्योंकि उसका एक स्टेप पहले ही हो चुका है। और व्हेन विल इट कंप्लीटेड? पुबर्टी एज पे आके वो कंप्लीट होना शुरू हो, फिर तो रेगुलरली चलती है। तो ओजेनेसिस मंथ वाइज चलती है, 28 डेज का इसका साइकिल होता है ओजेनेसिस का। ये ओवम रिलीज होना है। अब इसको फ्लो चार्ट से कैसे दिखाओगे? ये ओगोनिया, इसमें भी ये दो बनाओ, इसमें भी दो बनाओ।
चार हो गए। यहां पर पोलर बॉडी बनानी है तो इन प्राइमरी ओसाइट पे चार छोड़े हमने, यहां पर बनाना है एक, ये सेकेंडरी ओसाइट, इधर लंबा कर लो यहां आ जाएगा, ये पोलर बॉडी को यहां लिख दो, ये थोड़ा अनइक्वल डिवीजन होती है, छोटा बनाना है और इसको डार्क कर देना, और ये सेकेंडरी ओसाइट जो हमने यहां लिखा हुआ है वो यहां बन गया। सेकेंडरी ओसाइट से फिर क्या बना, सेकेंड पोलर बॉडी, ये हो गई और ओवर, ये प्रोसेस होकर आ रही है ओवरी के अंदर होती है। तो ओवरी इस तरह से है, इसमें ये लेयर भी बनती है साथ साथ इसके ऊपर, तो जो लेयर बनती हैं उनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर लेयर्स। ये क्या है, फॉलिकुलर फॉलिकल्स। तो जब एक लेयर बनी तो उसको बोला प्राइमरी फॉलिकल, दो बनी तो सेकेंडरी फॉलिकल, तीन बनी तो टर्शियरी फॉलिकल। अब यहां तीन लेयर है, ठीक है। इस तरह से ये ओवम बन जाता है बहुत सारी लेयर्स के साथ। अब यहां एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें काफी सारी तो लेयर होती है और ये ओवम है। बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसकी स्टेजेस थोड़ी सी अलग हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या चीजें होती हैं? ग्राफियन फॉलिकल में फॉलिकुलर लेयर्स होती हैं। ग्राफियन फॉलिकल में लिक्विड होता है एंट्रम और ये ओवम होता है। इसको लेबल कर लो, ग्राफियन फॉलिकल में लेबल नहीं है। जब ये ग्राफियन ओवम रिलीज होता है ओवरी से तो ग्राफियन फॉलिकल, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसको बोलते हैं एंट्रम, ये फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड से भरी हुई कैविटी, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये 14th डे पे ऐसे आएगा और यहां से इस ओवम को बाहर निकाल देगा। और ये क्या है, इसकी लेयर्स। जो लेयर्स आती है, कौन सी लेयर्स है, ये फॉलिकल है। ये जब इनके पास एंट्रम नहीं रहा तो ये सॉलिड मास बन गए, मास ऑफ सेल्स बन गया, एक दूसरे सेल चिपक जाएंगे, इसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे जैसे अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो ये धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाए, फर्टिलाइजेशन होगी तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब हम यहां से ये पढ़ रहे हैं जो कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स बना, ये जो ओवम बने, ये यहां से रिलीज हो गए कौन सी स्टेज पे। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इन व्हाट स्टेज ओवम गेट रिलीज्ड, कौन सी स्टेज पे, सेकेंडरी ओसाइट। फिर देखो बहुत कंफ्यूजिव है, बहुत कंफ्यूजन है भैया, यहां ये कह रहा है कि ओवम बन गया, यहां फिर दोबारा अपनी बात से मुकर गया कि सेकेंडरी ओसाइट जो है वो क्या हो गया उस स्टेज पे, या ये भी अलग है इन विच स्टेज, ठीक है, व्हाट ना ये स्टेज इन विच स्टेज, तो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज। ये वाइवा में भी बहुत पूछते हैं टीचर्स बच्चे को कंफ्यूज करने के, क्योंकि ये जो हाँ यहाँ देखो डिवीजन नहीं लिखी गई, अगर इसको ध्यान से देखो तो इनमें यहाँ से फर्स्ट लिख दी, मैं उससे सेकेंड तो लिखी, यहाँ पर मैं उससे सेकेंड इनकम्प्लीट होती है, इसलिए हम यहाँ लिख नहीं सकते उसको। हमने अगर यहाँ लिखी है तो इसके मार्क्स कटेंगे आपके, क्यों कटेंगे, क्योंकि मैं उससे सेकेंड जब ओवम कौन सी स्टेज से बाहर निकला होगी से सेकेंडरी ओसाइट पे, किसने कैप्चर करेगा, फिम्ब्रे कैप्चर करेगा और किसको दे देगा, इनफंडिबुलम ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यहां से अगर थोड़ा सा याद हो आपको तो ये हमने पढ़ा था, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये ओवम यहां से रिलीज हुआ 14th डे पे रिलीज होता है, और ओवम जब रिलीज हो गया तो यहां पर
इस ओवम को कैच किया फिम्ब्रे ने, फिम्ब्रे से इनफंडिबुलम में गया और इनफंडिबुलम से कहां चला गया, एम्पुला, फिर स्टेनस। ठीक है, तो ये आज हम यहां बस ओवम का प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ओवम बना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि सेकेंडरी ओसाइट के स्टेज पर ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज किस पे गया, सेकेंडरी ओसाइट पे, जबकि ओवम पूरा यहां बनेगा इसका मतलब। तो मेरा से सेकेंड यहां कंप्लीट होती है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट होगी, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई जो ओवम बन रहा है सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में रिलीज हो रहा, तो यहां पर कभी भी हमने क्या नहीं लिखना कि मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट होती, क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, यहां कंप्लीट हुई नहीं, वो कंप्लीट होगी कहीं जाके, इसमें फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होती है। अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, भाई ये क्या है डिप्लॉइड, ये क्या डिप्लॉइड, कोलाइड ही पूछे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 46, यहां कितने होंगे 23 पेयर 46, यहां मियोसिस होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने गए 23 हाफ हो गए। तो अगर ये पूछा जाता है कि कोलाइडी कितनी है, तो कोलाइडी हम क्या बताएंगे, कोलाइडी यहां पर उगोनिया की और प्राइमरी ओसाइट की तो है डिप्लॉइड, और स्पर्म ऐसे ही क्या है स्पर्मेटोगोनिया, इससे क्या बने थे माइटोसिस से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, और इनसे डिफरेंशिएशन हुआ था और बन गए थे स्पर्मेटोजोआ। अब इनकी पोलैरिटी बता दो, ये डिप्लॉइड 46, ये डिप्लॉइड 46, यहां हमने पढ़ा था मियोसिस फर्स्ट हुई, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगी वैसे रिडक्शनल डिवीजन है, आधे हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये कितने हो गए 23, और इसमें भी कितने 23, और इसमें भी कितने 23। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यहां देखो हमने ऐसे बनाया था ना, इसमें यहां एक क्वेश्चन आता है, ये चार बनाए थे लेकिन दो तो इससे थे दो इससे थे, ये क्वेश्चन बहुत आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बने या कितने स्पर्मेटोजोआ बने, भाई एक से तो दो ही बने, और यहां तो डिवीजन ही नहीं है, तो जितने बने थे वो तो नहीं डेवलप हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बने, तो वो दो बने, एक से दो। पोलाइडी मियोसिस से पहले वालों को डिप्लॉइड लिखते हैं ना, मियोसिस से बाद वालों को हैप्लॉइड। अब अन्य डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस क्या बताऊं, भी सबसे आसान है ये डिफरेंस, इन फ्लो चार्ट को अगर किसी ने ढंग से कर लिया तो बहुत ही आसानी से डिफरेंस लिख देगा। पहली बात, ये कहां हुए टेस्टिस में, ये कहां हुई ओवरी में, ये पुबर्टी एज पे स्टार्ट हुई, ये कब स्टार्ट हुई फीटल एज पे स्टार्ट हो गई, ये तो ये लिख रहा फीटल एज, यहां कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, यहां फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी बनती है, इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड पूरी कंप्लीट है, इसमें मियोसिस सेकंड इनकम्प्लीट रहती है, यहां डिफरेंशिएशन होता है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, और पॉइंट कम पड़ जाए तो लिख देना ये मेल्स में होती है और ये फीमेल्स में होता है। ठीक है, ये पूरा की पूरा गैमेटोजेनेसिस था, यहां हमने बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ाया, अभी अगले वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैमेट्स।